हेलो फ्रेंड्स, परिधि कुजीन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ लौकी के कोफ्ते। लौकी के कोफ्ते तो आपने बहुत बार बनाए होंगे, लेकिन आज इन कोफ्तों को विदाउट ऑयल एयर फ्रायर में कैसे बनाते हैं ये बताऊंगी। तो शुरू करते हैं हम अपनी रेसिपी लौकी के कोफ्ते। सबसे पहले हम एक बाउल लेते हैं, उसमें एक बाउल ग्रेट किया हुआ लौकी डालते हैं। एक मीडियम साइज्ड आलू जो हमने ग्रेट कर लिया है, एक छोटा चम्मच अदरक लहसुन वो भी हमने चॉप किया हुआ लिया है। अपने टेस्ट के अनुसार आप हरी मिर्ची ले सकते हैं। एक छोटा चम्मच नमक डाल दीजिए, एक छोटा चम्मच गरम मसाला, एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर, वन फोर्थ टीस्पून पीसी हुई काली मिर्च एंड हाफ टीस्पून अजवाइन, थोड़ा सा चॉप किया हुआ धनिया पत्ती, दो बड़े चम्मच बेसन। इन सबको आपस में मिला लीजिए। लौकी में बहुत सा पानी होता है, इसलिए अगर लौकी में ज़्यादा पानी है तो आप उसे पहले से थोड़ा निचोड़ लीजिए, ताकि हमारा बैटर ज़्यादा ढीला ना हो जाए। आप देखेंगे कि हमें एक्स्ट्रा पानी की ज़रूरत नहीं हुई, हमारा बैटर लौकी के पानी से ही रेडी हो गया है। अब हम एयर फ्रायर को 2 मिनट के लिए 180 डिग्री पर गर्म होने के लिए रख देंगे। तब तक अब हम अपने कोफ्ते रेडी कर लेते बना लेते हैं। हमारे सारे लौकी के कोफ्ते अब एयर फ्रायर में जाने के लिए रेडी हैं। सबसे पहले हम एयर फ्रायर की जाली को ग्रीस करेंगे। इस पर ऑयल लगा दीजिए ताकि हमारा बैटर चिपके ना और हमारे कोफ्तों पर भी थोड़ा सा ऑयल लगा दें और उन्हें एयर फ्रायर में रख दें। हमने अपने कोफ्ते एयर फ्रायर में रख दिए हैं। अब इसे बंद करके 10 मिनट के लिए हमारे 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम देखते हैं हमारे कोफ्ते कैसे बने हैं। ये बिल्कुल ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब आप देखेंगे कि ये अंदर से भी अच्छे से पक गए हैं। अब इनको हम एक जिप बैग में डालकर, जिप बैग पाउच में डालकर 1 से 2 महीने के लिए रख सकते हैं। किसी दिन आपके पास समय की कमी है तो आप अपने फ्रीजर से कोफ्ता निकालें, उसे ग्रेवी में डालें और आपका लाजवाब कोफ्ता करी रेडी हो जाएगा।